नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। जी हाँ, खूंखार तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एंट्री ले ली है और उसके प्रवेश द्वार पे तालिबान के लड़ाके खड़े हैं। तो क्या जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी किसी भी समय समर्पण कर सकते हैं, या पर्दे के पीछे कोई बातचीत चल रही है जिसमें सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक करने की बात हो रही है? कुछ इशारे इसी तरीके के मिल रहे हैं। दरअसल जैसे ही जलालाबाद पे कब्जा किया तालिबान ने, उसके बाद से लगने लगा था कि काबुल को बचाना मुश्किल है। हालांकि राष्ट्रपति और वहाँ के जो कार्यकारी गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बिल्कुल काबुल सुरक्षित है, किसी को परेशान होने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। उधर से तालिबान के प्रवक्ता ने भी बयान जारी किया है, बयान देखेंगे आप इस वीडियो में। उसमें साफ साफ कहा जा रहा है, चाहे आर्मी के लोग हों, रिटायर्ड लोग हों, सिविल प्रशासन के लोग हों, जो अभी तक सरकार के लिए काम करते रहे हैं वो लोग हों, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही देश छोड़ने की ज़रूरत है। सभी अपने घर में रहें, सबको माफ़ कर दिया गया है। तो यहीं से संकेत मिल रहा है दोनों तरफ से। एक तरफ से कार्यकारी गृह मंत्री बोल रहे हैं और दूसरी तरफ से तालिबान के प्रवक्ता बोल रहे हैं। इसका मतलब पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। तालिबान भी चाहता है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक हो, ताकि वो स्थापित हो जाए और उसको अन्य देशों से मान्यता मिलने में दिक्कत न हो। यदि वो बंदूक के बल पे सत्ता पे काबिज होता है तो अमेरिका और भारत समेत 12 देश पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो उसको मान्यता नहीं देंगे। तालिबान को इस बात का एहसास है कि 20वीं सदी और 21वीं सदी में अंतर आ चुका है। 21वीं सदी में दुनिया के अन्य देशों की मदद के बिना और उनसे संपर्क व संबंध रखे बिना शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तालिबान के प्रवक्ता जो है कतर हो, मास्को हो, चाइना हो, जगह जगह भाग रहे हैं, जा करके मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम खून खराबा नहीं चाहते, मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं चाहते, आम जो सिविलियन हैं उनको हम नहीं नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। आप पाएंगे कि जिस निशंस और निर्मम तरीके से लोगों को मारा गया वो तस्वीरें वायरल हो रही है। तालिबान कहीं दोहरी नीति तो नहीं चल रहा है कि पहले सत्ता ले लो फिर उसके बाद से शरिया कानून लागू करेंगे और जो शरिया कानून नहीं मानेगा उसके साथ क्या सलूक करेगा तालिबान? पहले के उदाहरण मौजूद हैं। खैर, महिलाओं के लिए जीना दुभर हो जाएगा, महिला शिक्षा मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इस पर स्पष्टीकरण आ रहा है कि महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जींस पहनी महिला के साथ क्या इन्होंने सलूक किया था। वो अपने हिसाब से ना पहन सकती हैं, ना स्कूल कॉलेज जा सकती हैं, ना बोल सकती हैं, हिजाब में रहना होगा, इनके नियम कानून को मानना होगा, नहीं तो उनको स्लेव बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो चिंता की बात तो है ही। तो एक बात ये भी आ रही, क्या अशरफ गनी परिवार के साथ सस्ता हस्तांतरण करके विदेश चले जाएंगे या समर्पण कर देंगे? इन सारी संभावनाओं को लेकर के बहस हो रही है और जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।